वहीं कुशीनगर में बच्चों के विवाद में खूनी संघर्ष देखने को मिला। मारपीट में एक महिला की जान चली गई। धारदार हथियार से हमले में महिला की मौत हो गई। केस दर्ज कर मामले की छानबीन में जुटी है पुलिस। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है अस्पताल। तमकुहिराज थाना क्षेत्र के श्यामपट्टी का यह मामला बताया जा रहा है। तो कुशीनगर में बच्चों के विवाद में खूनी संघर्ष देखने को मिला, जिसके बाद मारपीट में एक महिला की जान चली गई और अब धारदार हथियार से महिला की जान गई है। ये वह बच्चा है जिसकी वजह से ये मारपीट हुई थी और अब महिला की मौत हो चुकी है। वहीं अमरोहा में नहीं थम रहा है स्टंटबाजी का खेल। कार सवार दूल्हे राजा ने भी किया स्टंट और जान जोखिम में डालकर स्टंटबाजी करते हुए नजर आए दूल्हा। कार की छत पर खड़े युवक ने उड़ाई यातायात नियमों की धज्जियां। सैद नगली थाना क्षेत्र के गलसुआ गांव का मामला है ये। अमरोहा में नहीं थम रहा है स्टंटबाजी का दौर। कार सवार दूल्हे राजा ने भी स्टंट को जान जोखिम में डालकर स्टंटबाजी की और साथ ही दूल्हे ने नियमों की धज्जियां उड़ाई। सैद नगली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है ये वीडियो और गलसुआ गांव का ये मामला है। अमरोहा की एक खबर है जहां पर स्टंटबाजी का जो दौर है वो खत्म नहीं हो पा रहा है। पहले भी कई ऐसे वीडियोज आए हैं जहां पर ये विजुअल्स देखिए, पहले भी ये विजुअल्स आए हैं जहां पर ऐसी बातें कही गई कि स्टंटबाजी हो रही है और अब ये विजुअल्स आपके सामने हैं जहां पर आप देख सकते हैं दूल्हे राजा किस तरीके से सनरूफ खोल करके ऊपर बैठे हुए हैं और स्टंटबाजी कर रहे हैं। साथ ही आप देख सकते हैं किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है नियमों की, ट्रैफिक रूल्स की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और अमरोहा से, खास करके अमरोहा से कई ऐसे वीडियोस आते रहे हैं और वो सिलसिला अभी तक थमा नहीं है। उसका जीता जागता उदाहरण आपके टीवी स्क्रीन पर है। वहीं अमरोहा में बेखौफ लुटेरों का आतंक देखने को मिला। महिला के साथ दिन दहाड़े लूटपाट से हड़कंप मचा। दुकान में दवा लेकर ई रिक्शा से गजरौला जा रही थी महिला। महिला की शिकायत पर मामले की जांच जुटी है पुलिस। गजरौला थाना क्षेत्र के हसनपुर रोड का यह मामला है। तो महिला के साथ दिन दहाड़े लूटपाट की जाती है, आए दिन ऐसी खबरें मिलती हैं लूटपाट की। और एक और खबर आपके सामने है, ये वीडियो आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रशासन उन सुराग को इकट्ठा करने में लगी हुई है, उन चोरों को या फिर उन लुटेरों की सुराग ढूंढने में लगी हुई है कि आखिर वो लुटेरे कौन हैं। और तफ्तीश अभी तक जारी है लेकिन अभी तक वो लुटेरे नहीं पकड़े गए हैं। प्रशासन वहां पर तैनात है। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। गजरौला थाना क्षेत्र के हसनपुर रोड का ये मामला है और महिला के साथ दिन दहाड़े लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। फिरोजाबाद में यमुना नदी में तैरता मिला युवती का शव। स्थानीय लोगों की मदद से नदी से निकाला गया शव को। युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है अस्पताल। बसई थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर इलाके का यह मामला है। तो यमुना नदी में तैरता मिला युवती का शव और फिर जैसे ही लोगों को नदी के किनारे शव तैरता हुआ मिला, लोगों ने वहां पर लोकल्स की मदद से शव को बाहर निकाला। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया। पुलिस तफ्तीश कर रही है, जांच में जुटी हुई है। तो हमने देखा कि उल्टी करके एक बच्ची की, 8-10 साल की बच्ची की लाश जो है उधर से आ रही, जमुना में, जमुना के अंदर से तैरती हुई आ रही। तो मैंने लोगों को बताया कि इसमें लाश है, तो उसमें से जो है फिर वहाँ से डंडा उठाया एक ये भैया था उसमें, और दोनों ने इसमें दो तीन जने लड़के ने डंडे से पकड़ा और बच्ची को यहाँ पर हमने लाके डाल दिया। कम से कम हमने 25-30 मिनट के बाद में हमने कॉल लगाई पुलिस के पास, तो 112 पे, तो सर जी से बात हुई, उन्होंने 112 पे आए। और अगली खबर उन्नाव से है जहां पर स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खुली है। जिला अस्पताल का एम्बुलेंस खुद ही बीमार दिखा। धक्का मारकर स्टार्ट करना पड़ा एम्बुलेंस को। हादसे के शिकार लोगों को अस्पताल ले जाने आई थी एम्बुलेंस, लेकिन एम्बुलेंस की हालत ही इतनी खराब थी कि धक्का मार करके लोगों को वहां पर
एम्बुलेंस को स्टार्ट करना पड़ा। उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो एम्बुलेंस की ही जो एम्बुलेंस जख्मी लोगों को लेने के लिए आई थी उसकी हालत ही खराब बताई जा रही है। उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र का की हाईवे का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर जख्मी लोगों को एम्बुलेंस लेने पहुंची थी, लेकिन एम्बुलेंस की हालत ही इतनी खराब थी कि वो स्टार्ट नहीं हो पाई। उसके बाद तीमारदारों ने एम्बुलेंस को धक्का दिया, उसके बाद वो शुरू हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठता है कि किस तरीके के एम्बुलेंस हैं अभी स्वास्थ्य महकमे में। हादसे के शिकार लोगों को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस वहां पहुंची थी, लेकिन एम्बुलेंस चालू नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वहां पर जख्मी लोग तीमारदार या फिर हम कहें आसपास के लोगों की मदद से एम्बुलेंस को शुरू करवाया गया। सबसे बड़ा सवाल स्वास्थ्य विभाग पर उठता है कि किस तरीके के एम्बुलेंस अस्पतालों में रखे गए हैं जो समय पर लोगों के काम ही ना आ सके। तो ये बड़ा सवाल है स्वास्थ्य महकमे में। उन्नाव की यह खबर है, जहां पर उन्नाव में अचलगंज थाना क्षेत्र के हाईवे का यह मामला है। वहां पर अस्पताल से एम्बुलेंस पहुंची थी लोगों को लेने के लिए, जख्मी लोगों को लेने के लिए। उन्नाव में स्वास्थ्य विभाग के दावों की जो पोल खुली है, जिला अस्पताल का एम्बुलेंस खुद बीमार दिख रहा है। धक्का मारकर स्टार्ट करना पड़ा एम्बुलेंस। हादसे के शिकार लोगों को अस्पताल ले जाने आई थी एम्बुलेंस। उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र का ये हाईवे का मामला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उन्नाव में स्वास्थ्य विभाग की जो पोल है वो साफ दिख रही है आपके टीवी स्क्रीन पर। ये वही एम्बुलेंस है जिसमें सारी जख्मी को अंदर रखा गया, लेकिन एम्बुलेंस फिर शुरू ही नहीं हो पाई, स्टार्ट नहीं हो पाई, जिसके बाद लोगों ने धक्का मारकर एम्बुलेंस को चालू करवाया। हाले स्वास्थ्य महकमा आपके सामने है, देख सकते हैं कि एम्बुलेंस वहां पहुंची है हाईवे पर और लोगों को एम्बुलेंस में रखा जा रहा है इलाज के लिए, लेकिन जर्जर स्थिति एम्बुलेंस की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।